तो देखिए जी, मसाला हमारा दानेदार बन चुका है। अब देखो पहले के मुकाबले, आप देखो आप, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल सारा मसाला दानेदार हो चुका है हमारा। ऐसे आपने कभी भी पहले सब्जी बना के ट्राई की होगी? देखा आपने टेलर में, इसी प्रकार बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको आज बनाना सिखाएंगे अमृतसरी न्यूट्री। देखिए किस प्रकार बनती है और किस तरीके से बनाते हैं। रोज का आपका तरीका अलग होगा बनाने का, और हमारा ये तरीका है जो बहुत ही सिंपल और सादा और यूनिक है। समझ रहे ना, कहने का मतलब है सारे मसाले वही पुराने घर के, कोई ज्यादा फालतू अड़ंगा नहीं, और उन्हीं चीजों से हमने आपको एक नए तरीके की अमृतसरी न्यूट्री की रेसिपी बना के दिखाई है। तो आओ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चलिए जी, तो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रजीत और हमारे चैनल दीपक रसोई 7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी न्यूट्री। जैसा कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया है किस प्रकार बन रही है, किस प्रकार कितनी बढ़िया स्वादिष्ट और कलरफुल बन के तैयार हुई है सब्जी हमारी। तो आज हम बनाते हैं अमृतसर की फेमस न्यूट्री सोयाबीन की सब्जी, और किस तरीके से बनाई जाती है अमृतसर में वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे समझाएंगे। तो देखिए पहले हमने इसके लिए सामान ले लिया थोड़ा सा। ये हमारी 150 ग्राम न्यूट्री है सोयाबीन, जो हमने उबाल ली है, ठीक है। इस प्रकार उबाल कर निचोड़ कर आप पानी अलग कर लें इसका। 150 ग्राम न्यूट्री में से हमने 100 ग्राम के करीब साबुत रखी है और 50 ग्राम को चाकू की सहायता से दरदरा काट लिया है। इस प्रकार आप भी काट लें, इससे क्या होता है कि सब्जी में एक थिकनेस गाढ़ापन अलग से दिखाई देता है, ठीक है। और जितनी आपकी ये न्यूट्री है उससे ही डबल आपको टमाटर लेना। तो 150 ग्राम हमारी न्यूट्री है, 300 ग्राम टमाटर है, और इसी के दुगना प्याज लेना हमने। तो 150 ग्राम न्यूट्री और 300 ग्राम प्याज हमने बारीक चॉप करके रख लिए। अच्छा, टमाटर में 4 हरी मिर्च डाली हमने, और ये हरे धनिए के जो ऊपर के डंठल होते हैं वो डाले हमने। इन तीनों चीज़ों को पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और ये हरे धनिए हमने काट लिए अलग से इस डंडी में से, जो ऊपर से गार्निश करने काम आएंगे। फिर इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, ये थोड़े खड़े मसाले हैं, 2 लाल मिर्च हैं कश्मीरी, दालचीनी का एक टुकड़ा है, बड़ी इलायची है तोड़ के लिए हमने, 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, 2 हरी इलायची है, 2 तेज पत्ता है, जीरा है। तो ये आपको खड़े मसाले लेने हैं। फिर इसके बाद हमने कसूरी मेथी ली है, धनिया पाउडर पिसा हुआ हमारे पास, लाल मिर्च है हमारे पास कुटी हुई, गरम मसाला है देखिए, और कश्मीरी मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, ठीक है जी। इस सारे सामान से हम आपको आज जैसा आपने टेलर में देखा उसी प्रकार सब्जी बनाकर हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल अमृतसरी पंजाबी अमृतसरी स्टाइल में न्यूट्री बनाना। तो किस तरह से बनती है आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम अपने टमाटर और ये हरे धनिया हरी मिर्च को पीस कर एक पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चलो जी, कढ़ाई रख दी हमने, तेल रिफाइंड डाल दिया इसके अंदर 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम 125 ग्राम आपको रिफाइंड डालना है, ठीक है जी। और साथ में आपको एक काम और करना है, दूसरी गैस पे देखो हमने पानी कर लिया गर्म, ठीक है। सब्जी में जितना भी पानी डलेगा ये गर्म पानी ही डलेगा। गर्म पानी डालने का मकसद हमारा ये है, आप भी जानते होंगे कि इसमें सब्जी में जब गर्म पानी डालते हैं हम ठंडे के मुकाबले, तो ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता सब्जी को, और टेम्परेचर भी बराबर रहता है। गर्म सब्जी में, गर्म मसाले में आप ठंडा पानी डालोगे तो टेम्परेचर का जो फर्क पड़ जाता है ना, उससे भी सब्जी में स्वाद में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ये हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया, अब डालेंगे हम सबसे पहले इसके अंदर खड़े मसाले। देखिए 2 मिर्च हैं, तेज पत्ता है, एक दालचीनी की स्टिक है छोटी सी, 2 हरी इलायची है, एक साबुत इलायची है बड़ी वाली, काली वाली जो तोड़ ली है, काली मिर्च के दाने हैं 5-7, 8-10 होंगे ज़्यादा, और थोड़ा सा जीरा है। ये डाल दिया हमने खड़ा मसाला अपना, इसको थोड़ा सा भुनने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। अच्छा, आज का आपको विशेष ख्याल रखना है, आज बिल्कुल भी पूरी सब्जी बनने के दौरान हाई फ्लेम नहीं करनी है, लो टू मीडियम, मीडियम से ऊपर तो आपको आँच बढ़ानी ही नहीं है इसकी सब्जी की, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मसाले को फ्राई करेंगे, भुनेंगे अच्छी तरीके से। और अब डालेंगे इसके अंदर हम प्याज, अपनी बारीक कटी हुई प्याज हमने जो तैयार कर ली थी। ये प्याज डाल दी हमने इसके अंदर, काट कर जो हमने रखी हुई थी बारीक चॉप की हुई। अब इसको मीडियम आंच पर आपको थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है, ज्यादा हमको ब्राउन नहीं करना है इसको। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट अगर हम पहले डाल देते हैं तो कढ़ाई और ये कड़छी वगैरह पर चिपक जाता है जल के।
तो इसलिए हम उसको डालेंगे प्याज फ्राई होने के बाद। प्याज कितनी फ्राई करनी है ये हम आपको अभी दिखाते हैं भूनते हुए, साथ में हमारे खड़े मसाले भी भुनेंगे, इनका भी फ्लेवर प्याज के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो जिससे सब्जी का स्वाद बढ़कर दोगुना हो जाएगा। हम सारी न्यूट्री की सब्जी आज बन रही है हमारे यहाँ। चलो जी, जब तक हमारी प्याज भुन के रेडी हो रही है, जब तक हम बना लेते हैं मसाले को। मसाले हमें साबुत सारे डालने नहीं है, केवल कश्मीरी मिर्च डलेगी और गरम मसाला डलेगा, बाकी का हमने घोल बनाना है एक। ठीक है जी, ये लाल मिर्च गई कुटी हुई, कसूरी मेथी में से थोड़ी सी डाल दी हमने, बाकी बाद में डालेंगे। धनिया पाउडर और ये हल्दी, ठीक है जी। इसको ये गर्म पानी डालकर आप चम्मच की सहायता से घोल बना लें, क्योंकि जब भी हम सूखे मसाले डालते हैं तो ये आँच होती है हमारी ज्यादा गर्म, जो प्याज वगैरह हमने भुना होता है वो ज्यादा गर्म होती है, तो मसाले जल जाते हैं, जलने से स्वाद उसका हो जाता है खराब। तो इस प्रकार आपको पानी डालकर एक मसालों को पेस्ट बना लें। पानी कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, गाढ़े पतले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मसाला हमने बना के रख लिया, बाकी जो कश्मीरी लाल मिर्च डलेगी ये और ये डलेगा, ये सब बाद की बातें हैं, वो हम दिखाते हैं आपको। लो जी, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, ज्यादा हमें लाल ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ये देखो ब्राउन बना चुका है इसके, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। और देखो ये सब्जी बनाते में अगर आपको स्वाद से प्यार है और आप चाहते हो सच में स्वाद आए सब्जी में, जो मेहनत लगे हमारी, तो थोड़ा सा तो टाइम लगाना पड़ेगा इसमें, कम से कम 20 मिनट तो लग जाएंगे ये, क्योंकि इसको पकाने पर ही सारा खेल है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है भुनकर, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। एक मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। प्याज हमारी 7-8 मिनट भून चुकी थी पहले हल्की आंच पर, चाहते तो हम तेज आंच करके और इसको जला सकते थे प्याज को, लेकिन स्वाद नहीं आता सब्जी में कि ये कढ़ाई पे पानी भर जाता, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम पर निकालना पड़ेगा अगर सब्जी आपको बढ़िया स्वादिष्ट बनानी है तो अमृतसरी स्टाइल में और स्वाद में। ठीक है जी, ये देखो अब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, केवल इसमें कलर आता है सब्जी में, ये आप जानते भी होंगे इस चीज को, लाखों जनों ने यही चीज बता रखी है कि भाई इससे कलर आता है, चटपटापन नहीं आता है। आंच रखनी है स्लो, इसको भी 1 मिनट इसी प्रकार भूनना है हमें कराते हुए स्लो आंच पर। और ये जो आज हमारी ये न्यूट्री वाली सोयाबीन की सब्जी बनने वाली है, जो हम बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है, जब आप हमारी रेसिपी को देखकर सीखकर बनाओगे घर में और स्वाद ना आए तो आप जो मर्जी कह देना हमें, आपने पहले ही बनाई होगी, बहुत सबके घर ही बनती है, लेकिन ये जो आज हम बता रहे हैं ना आपको तरीके से, जब भी आप बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होगी, जैसे आपने हमेशा बनाई होगी घर में सब्जी, तो उसके मुकाबले आप देखना टेस्ट कलर वगैरह सब डिफरेंट मिलेगा आपको। अब आ गया ये नंबर हमारा टमाटर के पेस्ट का, जो हमने हरी मिर्च धनिया और टमाटर को पीस कर तैयार किया है, तो इस स्टेज पर इसको हम डाल देंगे सब्जी के अंदर। मीडियम आंच पर इसको बढ़िया तरीके से हमें भूनना है, इसकी भुनाई भी एक अलग तरीके से होगी इस बार, जैसा कि सब बताते हैं तेल छोड़ दे ऊपर ऑयल रिलीज हो जाए तो भुन गया हमारा पेस्ट, जो टमाटर की ग्रेवी है बनके तैयार है, नहीं ऐसा नहीं है, इसको हमें दानेदार बनाना है। दानेदार कैसे बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं आगे, जब ये सारा हमारा पेस्ट दानेदार बन जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। अब जब हमने टमाटर डाले हैं तो सबसे मुख्य चीज इसमें अब डलेगी, क्योंकि टमाटर अगर गलेंगे तो केवल नमक से ही गलेंगे। ठीक है जी, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें सब्जी के अंदर, और अब इसको अच्छी तरह से भुनने दें 5-7 मिनट। टमाटर गलेंगे अच्छी तरह से नमक से और भुनेंगे तेल में फ्राई होके आंच से। आप चाहो तो इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन भी लगा सकते हैं। चलो जी, देखिए टमाटर हमारे पक के बिल्कुल रेडी तैयार है, आंच हमने स्लो कर दिया, मीडियम आंच पर हमने इसको कम से कम 5-6 मिनट पकाया, और देखो
टमाटर हमारे पककर कितने बढ़िया तरीके से रेडी हो गए हैं, और लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी तो ये बहुत उबलेंगे, बहुत इनको पकाना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा हमारी जो आज की रेसिपी है उसमें, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आप ये जो हमने सूखे मसालों को पानी डालकर घोल बनाया था वो जाएगा ये इसके अंदर, ये देखिए। अब फिर से हम मीडियम आंच कर देते हैं, और अब इस मसाले को पकाना है बढ़िया तरीके से इसके अंदर, क्योंकि मसाला भी तो कच्चा है, प्याज हमारी बन चुकी है, टमाटर हमारा बन चुका, लेकिन मसाला जो हमने डाला है ये भी तो कच्चा है। अब इस मसाले को बढ़िया तरीके से हम बनाएंगे, भूनेंगे, 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा हमें। सब जाके देखो, अभी देखो ग्रेवी देखो, अभी इसमें दाने नहीं दिख रहे हमें, अभी ये एक जैसी दिख रही है पतली पतली या गाढ़ी गाढ़ी। अब हम इसको दानेदार बनाना, दानेदार कैसे बनेगी ये देखो, इसको भूनते रहना है आपको 3-4 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम आंच पर, और ये इन्हें आप दानेदार ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी हमारी, वो दिखाते हैं हम आपको। देखिए तो देखिए जी, मसाला हमारा दानेदार बन चुका है, अब देखो पहले के मुकाबले, अब देखो आप, ठीक है जी, देखिए बिल्कुल सारा मसाला दानेदार हो चुका है हमारा, प्याज भी बन चुकी है, टमाटर भी बन चुके हैं, जो हमने जो घोल के मसाले डाले थे सूखे वाले वो भी बन चुके हैं, सब चीज बन के रेडी तैयार है। अब इस स्टेज पर इसमें जाएगा 1 चम्मच सोया सॉस, कलर के लिए वो जरूरी है और स्वाद के लिए भी जरूरी है। ये 1 चम्मच भर के हमने सोया सॉस डाल दिया इसके अंदर, अब देखो जी अब इसका कलर किस प्रकार बनेगा और स्वाद किस प्रकार बनेगा। देखिए सब कुछ रेडी बन के तैयार है, लेकिन फिर भी अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी बहुत प्रोसेस बाकी है। ये जो हमने गर्म पानी ले रखा था, अब थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर, हल्का सा हमने पानी डाल दिया इसके अंदर, अभी पतलापन कुछ नहीं किया है, गाढ़ा पतला हमने कुछ नहीं किया है, हल्का सा पानी डाला है, किस लिए वो हम आपको बताते हैं अभी। आँच स्लो रहेगी हमारी, ठीक है, और ये जो हमने सोयाबीन न्यूट्री जो उबाल के रखी थी और तोड़ के टुकड़े भी कर लिए थे उसके, इस सबको इसके अंदर आप मिक्स कर देंगे, ठीक है, इसी प्रकार सबको लटते पलटते इसके अंदर मिक्स करना है आपको। देखो जी ऐसे आपने कभी भी पहले सब्जी बना के ट्राई नहीं की होगी जिस तरीके से आज हमने आपको बताया। अब देखो ये जो न्यूट्री हमारी ये सूखी सूखी है, तरी इनके अंदर हमारी पहुंची नहीं है अभी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और टोटल हमने गर्म पानी डाला इसके अंदर, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखें, जितनी भी आपको गाढ़ी पतली करनी है वो कर सकते हैं इस स्टेज पर, ठीक है जी। अब अभी सारी हमारी न्यूट्री सोयाबीन सारी सफेद है, अंदर भी नहीं गया होगा इसके अंदर, देखिए तोड़ के दिखाते हैं, अंदर भी इसके अंदर कुछ नहीं गया होगा, देखिए देखिए बिल्कुल, अभी आप देखना इसके अंदर ये सारा रस है, जो तरीका रच बस जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अभी ये ना हमने गाढ़ी की है ना पतली की है, इसको आप कुछ भी मत समझना, आप इसको 4-5 मिनट ऐसे छोड़ दें स्लो आंच पर उबलने के लिए, और ये जो सारा रस है ना इसके अंदर अंदर तक भर जाएगा न्यूट्री के अंदर, तो यही तरीका होता है इनको रस से अंदर बाहर से सराबोर करने का, मतलब तरी में अच्छी तरह मेल्ट करने का, अंदर तक तरी पहुंच जाए। इसको ढक्कन लगाकर आप छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए इसी स्टेज पर, बाकी फिर आगे और जो प्रोसेस है वो हम दिखाते रहेंगे आपको, बताते रहते हैं। ये लो जी फिर ढक्कन लगा दिया हमने, इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए सब्जी में हमारे क्या कलर क्या रंगत आ चुकी है, ये खुद आप अपनी नजरों से देख सकते हो, सफेद सफेद आपको न्यूट्री दिख रही थी सोयाबीन सारी, देखो मसाले में उतर हो चुकी है अंदर बाहर दोनों तरफ से, तेल भी हमारा रिलीज हो चुका है ऊपर जो भी हमने डाला था इसके अंदर, बन के एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। अब इसमें केवल 1 मिनट की देर है, उससे पहले हमें करना क्या है, हमें डालना है ये गर्म मसाला इसके अंदर, और ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी हमने पहले भी डाली थी लेकिन ये अलग से डलेगी ऊपर से, वो भी क्रश करके बढ़िया तरीके से, इसको हाथों में दोनों हथेलियों से जितना आप कस के रगड़ोगे ना उतना ही इसका स्वाद और ज्यादा निखर के, खुशबू और ज्यादा निखर के बाहर आएगी, ठीक है। इस प्रकार आप डालें इसके अंदर और इन चीजों को मिला दें एक बार,
दोनों मसाले इस बार इसमें मिला दें इसके अंदर अच्छी तरीके से, और इसको छोड़ दें। देखो पहले आप सोयाबीन बनाते थे तो या तो ज़्यादा टमाटर और प्याज डाल के ग्रेवी बनाते थे जब गाढ़ा बनाता था, या फिर पानी अलग और सोयाबीन अलग हो जाती थी अगर थोड़ी सी पतली रखते थे पूरे घर के लिए। तो देखो जो टुकड़े हमने किए थे ना उसके सोयाबीन के, जो टुकड़े हमने बारी बारी काटे थे उनसे ही देखो ग्रेवी हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें कोई पानी और कोई पतलापन नहीं दिख रहा, सब्जी हमारी बन के फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी है तैयार, अमृतसरी स्वाद और स्टाइल में, अमृतसरी न्यूट्री। अब ये जो मसाले हमने मिलाए हैं इनको, इनका स्वाद इनके अंदर आने के लिए 1 मिनट और हमें ढक्कन लगाना पड़ेगा, और फिर 1 मिनट बाद देखिए फाइनल रिजल्ट। लो ये 1 मिनट हो चुका है, और अब सब्जी से हम उठा देते हैं पर्दा यानी ढक्कन, और देखिए ये कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास अमृतसरी न्यूट्री बन के हमारी तैयार हुई है। इसमें स्वाद भी है, कलर भी है, रंगत भी है, फ्लेवर भी है, सब कुछ है। अगर आप हमारे इस तरीके से अगर सब्जी बनाओगे ना तो बिल्कुल ऐसी सब्जी बनेगी एकदम कलरफुल और बढ़िया स्वादिष्ट। ठीक है जी, अब इसमें हम लगाएंगे फाइनल तड़का अपना। ये डाले सबसे पहले हमने हरे धनिए, उसके बाद ये अदरक के जूलियंस, कटी हुई हरी मिर्च, ये देखिए जी इस प्रकार आप डाल दें इसके अंदर, इसका भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसके अंदर। और अब डालेंगे हम क्रीम, ये देखिए जी 2 चम्मच भर के हमने क्रीम डाल दी इसके अंदर। आप देखिए जी कितना बढ़िया रंगत कलर आया है हमारी अमृतसरी न्यूट्री सब्जी में, सोयाबीन की सब्जी में। इसी प्रकार आप घर में बनाइए हमारे बताए हुए तरीके के अनुसार, और फिर देखिए रिजल्ट किस प्रकार आता है। पहले जैसे आप बनाते थे सब्जियां सोयाबीन की बड़ी वाली, उसको अगर अपना भूल जाओ तो जब कहना। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा नमस्कार।